छठ पर्व पर स्थापित छठ माता की मूर्ति के विसर्जन को लेकर शनिवार से सोमवार तक प्रतिमा विसर्जन के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि अमर उजाला तिराहा से टीपी नगर चौराहे की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। इस प्रकार के भारी वाहन देवरिया बाईपास होकर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि नौथड़ तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे की तरफ भारी वाहन का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। साथ ही महानगर के अंदर भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चार पहिया वाहन, दोपहिया वाहन, रिक्शा एवं मोटरसाइकिल का आवागमन उस अवधि तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया, छठ माता की प्रतिमाओं का विसर्जन भी आज से शुरू हो जाएगा और 23 तारीख तक चलेगा, मुख्यतः आज और कल चलेगा। इसलिए विसर्जन के लिए रूट का डायवर्जन उसी तरह से किया गया है जिस तरह से मेन दुर्गा प्रतिमा विसर्जनों का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जो रूट डायवर्जन दिया गया था। इसमें वाहनों को हालात पूरे राय से घंटा घर तक प्रवेश वर्जित रहेगा। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडे हाथा घंटा घर तक प्रवेश वर्जित रहेगा। नॉर्मल से बर्फ खाना हाँसूपुर तक, गंगे चौराहा से अली नगर बक्सीपुर घंटा घर की तरफ, अगसेन तिराहा से बक्सीपुर तरफ, विजय चौक से अली नगर चरणलाल चौक तक, बक्सीपुर से खूनीपुर साहबगंज तक, घासी कटरा मिर्जापुर लाल डिग्गी तक, लाल डिग्गी से गीतापुर श्रेती चौक तक प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह से जटाशंकर तिराहा से अली नगर की तरफ भी प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा और दुर्गाबाड़ी अली नगर बक्सीपुर जुगनू तिराहा टीपी नगर राप्ती नगर के पुल से आगे तक चार पहिया वाहनों का आवागमन नहीं होगा। इसी तरह से नगर क्षेत्र में जो प्रतिमाएं विसर्जित हो रही हैं उसमें जो नौसड़ की तरफ से वाहन आ रहे हैं उनको भी डाइवर्ट किया जाएगा और जो शहर की तरफ से नौसड़ की तरफ वाहन जा रहे हैं उनको भी अमर उजाला किराए से डाइवर्ट किया जाएगा। तो इस तरह की ये डाइवर्जन की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई है। डाइवर्जन कब से कब तक रहेगा? ये डाइवर्जन आज से शुरू हो जाएगा और ये 23 तारीख तक रहेगा। इसमें हम भी देखेंगे जब प्रतिमाएँ कम हो जाएंगी या नहीं होंगी तो उस हिसाब से हम उसको ठीक भी कर लेंगे और पुनः ट्रैफिक को नॉर्मल कर देंगे।